हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल योर ब्यूटी सॉल्यूशंस। मैं हूं आशु एंड आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होने वाली है मेरे लिए, क्योंकि मैं इस टाइप की वीडियो पहली बार अपने चैनल पे कर रही हूं। टाइटल देख के आप समझ गए होंगे मैं आज की वीडियो में अपनी फाउंडेशन कलेक्शन शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। ये है मेरी फाउंडेशन कलेक्शन जो कि मैंने इस तरह की बास्केट में रखी होती है हमेशा। तो आज मैं वन बाय वन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी दैट मेरे पास कौन कौन से फाउंडेशन हैं एंड थोड़ा थोड़ा सा मैं उनके बारे में आपको बता भी दूंगी कि वो अच्छे हैं नहीं अच्छे हैं और कितने हैं, प्राइस वगैरह भी मैं बता दूंगी साथ ही साथ आपको, एंड आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए छोटा छोटा रिव्यू मैं आपको दे दूंगी। बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करूँगी वीडियो को। चलो जल्दी से स्टार्ट कर दें, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। चलिए, बहुत ज़्यादा फाउंडेशन भी नहीं है मेरे पास और कम भी नहीं है क्योंकि मुझे वीडियोस बनानी होती है, मुझे मेकअप भी करना होता है तो थोड़ी बहुत मुझे रखनी पड़ती है, तो इसलिए मैंने ये थोड़ी सी कलेक्ट करी हुई है। तो चलो जल्दी से देखते हैं, मैं रैंडमली पिक करूंगी, जो भी मेरे हैंड में आएगा वो मैं आप लोगों से शेयर करती जाऊंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये फाउंडेशन है शुगर की, जो कि स्टिक फाउंडेशन है एंड इस पे जो शेड है मेरे पास वो है 7RAF, जो कि बिल्कुल भी मेरा शेड नहीं है। मैंने इसको यूज़ किया है एक आध बार ही एंड बहुत ज़्यादा अच्छी तो मैं इसको नहीं बोलूँगी, ठीक ठाक फाउंडेशन है, कवरेज भी ठीक ठीक है एंड ठीक है, मतलब सभी स्किन टाइप पे चल जाएगी आपकी। तो सबसे पहले ये वाली फाउंडेशन थी मेरे पास शुगर की स्टिक फाउंडेशन। उसके बाद सेकेंड नंबर की जो फाउंडेशन है वो है ये स्विस ब्यूटी का हाई कवरेज वाटरप्रूफ फाउंडेशन। सो ये मैंने सरोजनी नगर से ख़रीदा था एंड ये मुझे पता नहीं कितने का पड़ा था, वहाँ पे इसका प्राइस है 399 जो इस पर मैंशन है, बट डिस्काउंट में आपको ये मिल जाती है। काफ़ी सही फाउंडेशन है स्विस ब्यूटी की, बहुत ज़्यादा हाई कवरेज भी इसकी नहीं है बट फिनिश जो है काफ़ी अच्छी है, इसलिए मुझे ये फाउंडेशन भी अच्छी लगती है। तो ये एक फाउंडेशन मेरे पास थी। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे है ये मेबिलिन की फिटमी फाउंडेशन, सो ये है शेड नंबर 115, हाँ 115। तो ये एक फाउंडेशन है मेरे पास मेबिलिन की फिटमी, जो कि काफ़ी अच्छी फाउंडेशन है, बहुत लोग इसको पसंद करते हैं। तो ये फाउंडेशन थी मेरे पास थर्ड नंबर की फाउंडेशन। उसके बाद मेरे पास एक और मेबिलिन की फिटमी फाउंडेशन है जो कि है 128 वॉर्म न्यूड। आप देख सकते हैं ये मेरी स्किन पे थोड़ा डार्क है, इसलिए मैंने ये फाउंडेशन ले लिया था, ये थोड़ा लाइट है। इन दोनों को मैं मिक्स करके अपनी शेड बना लेती हूँ। तो ये दो फाउंडेशंस हैं मेरे पास मेबिलिन के, फिटमी 115 एंड ये कौन सा है 128 वॉर्म न्यूड, ठीक है। तो ये दो फाउंडेशन मेरे पास यहाँ पर मेबिलिन के हैं। उसके बाद मेरे पास ये मेबिलिन का ही फिटमी टिंट है, मतलब बेस प्रोडक्ट्स हैं सारे, फाउंडेशंस नहीं हैं, कुछ इनमें बीबी क्रीम्स भी हैं एंड मतलब बेस प्रोडक्ट्स आप समझ सकते हो इनको, ठीक है। तो ये जो मेबिलिन का फिट मी टिंट है ये मैंने ख़रीदा था अभी अभी, ये थोड़े टाइम पहले इनका लॉन्च हुआ है, कुछ महीने पहले। तो ये मैंने शेड ख़रीदा है 03 एंड काफ़ी सही है, यूज़ किया है फेस पर, मैंने यही लगा के रखा है अभी। तो ये एक मैंने टिंट ख़रीदा था मेबिलिन का। उसके बाद नेक्स्ट जो फाउंडेशन है वो है मेरे पास यहाँ पे ये नायका की स्किन शील्ड फाउंडेशन, काफ़ी सही फाउंडेशन है, 30 ml का प्रोडक्ट आपको मिल जाता है, प्राइस भी इसका प्राइस 700 समथिंग है बट मुझे 500 समथिंग की मिली थी, 02 वेरी वनीला इसमें मेरा शेड है। तो बट ये भी थोड़ा सा डार्क, आप देख सकते हो दिख रहा है प्रोडक्ट थोड़ा सा डार्क है मेरे स्किन टोन से। तो ये फाउंडेशन थी नेक्स्ट मेरे पास। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास ये दो छोटे छोटे फाउंडेशन है नायका के, एक स्किन शेल फाउंडेशन है, एक स्किन जीनियस फाउंडेशन, ये ट्रायल पैक है इनके, एक मैंने खरीदा था एक मुझे फ्री मिला था और शॉपिंग करने पे नायका से, तो ये शायद 90 rupees या 99 rupees के मुझे मिले थे। तो मैंने यूज़ किया अच्छी फाउंडेशन है, इसको मैं यूज़ करके देखूंगी, इनके बिगर साइज भी आपको नायका पर मिल जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास है ये NYB का फाउंडेशन, इसको मैंने काफ़ी पहले यूज़ किया था, अभी तक रखा हुआ है, फेंका नहीं है, आप देख सकते हो हिलाया भी नहीं इतने टाइम से। इसका जो लिक्विड है वो अलग है एंड इसका जो फाउंडेशन है वो भी अलग है। इसके बाद यहाँ पे मेरे पास है ये लैक्मे का 925 cc क्रीम, ये है 01 बेज पे, बेज शेड एंड इसका जो MRP है 300 के आसपास आपको मिल जाती है, इसको मैंने नायका से ख़रीदा था। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास ये फाउंडेशन है मेबिलिन की सुपर स्टे फाउंडेशन, इसमें मेरे पास ये दो शेड्स हैं,
10 सन बेज एंड दूसरा ये 112 नेचुरल आइवरी। तो आप देख सकते हो एक डार्क है काफ़ी ज़्यादा एंड एक लाइट है, तो इन दोनों को मिक्स करके मैं अपना शेड भी बना लेती हूँ एंड बाकी किसी क्लाइंट पे यूज़ करना हो तो मिक्स एंड मैच करके शेड बना के यूज़ कर लेती हूँ। तो ये दो शेड मेरे पास फिट मी फाउंडेशन के हैं, काफ़ी अच्छे हैं। 600 के आसपास ये फाउंडेशन आपको मिल जाती है, 750 का शायद MRP है जहाँ तक मुझे आइडिया है, हाँ 750 इसका MRP है। तो ये दो फाउंडेशन मैंने रखी हुई है, फिट मी की फाउंडेशन, सॉरी मेबेलिन सुपर स्टे फाउंडेशन, मैंने शायद इतनी देर नाम गलत ही लिया होगा, तो ये मेबेलिन की सुपर स्टे फाउंडेशन है, जैसा इनका नाम है वैसा इनका काम है। सो नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास ये दो फाउंडेशन है LA Girl के। सो ये फाउंडेशन मुझे 1000 रुपये के आसपास का पड़ा था, इसको मैंने मार्केट से ही परचेज किया है एंड यहाँ पे मेरे पास ये दो शेड है, एक डार्कर है एक लाइटर है एंड से मैं मिक्स एंड मैच करके अपना शेड भी बना लेती हूँ। ये तो मेरे स्किन पे चल जाता है वैसे तो, मिक्स एंड मैच करके मैं शेड बना लेती हूँ, क्लाइंट्स पे यूज़ कर लेती हूँ, मिक्स एंड मैच करके सेम शेड्स बनाती हूँ। काफ़ी अच्छे फाउंडेशन है, ड्यूई फाउंडेशन हैं ये, सर्दियों के लिए बहुत सही है एंड अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप इनको यूज़ कर सकते हो। तो इसके बाद नेक्स्ट जो फाउंडेशन है वो है मेरे पास ये स्विस ब्यूटी का मिरेकल टच फाउंडेशन, जो कि मैंने स्विस ब्यूटी का वन ब्रांड करने के लिए ख़रीदा था। काफ़ी सही है, मतलब जैसे कि टिंट्स नहीं होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कवरेज इसकी नहीं है, टिंट्स की तरह ये काम करता है आपके फेस पे, आपके फेस को इवन आउट कर देता है, थोड़ा सा ड्यू इफेक्ट देता है एंड ये मुझे पड़ी थी, इसका प्राइस यहाँ पे मेंशन है, प्राइस यहाँ पे मेंशन नहीं है, हाँ मेंशन है 349 इसका MRP है, बट कम की पड़ी होगी एंड इसमें शेड है मेरा ये 02 रोज ब्लश। बट आपको किस एंगल से ये रोज़ ब्लश लग रहा है, थोड़ा सा ये स्विस ब्यूटी वाले शेड्स में गड़बड़ कर देते हैं, बाकी तो प्रोडक्ट्स इनके अच्छे होते हैं। सो इसके बाद यहाँ पे मेरे पास फाउंडेशन है ये फॉरएवर 52 की अल्ट्रा डेफिनेशन फाउंडेशन, ये भी मैं क्लाइंट पे यूज़ करती हूँ। मेरे पास इस पर 3 शेड्स हैं, लाइट मीडियम एंड बहुत ज़्यादा ही लाइट फाउंडेशन, आप देख सकते हो डार्क शेड नहीं है इस पर मेरे पास, परचेज कर लूँगी। ये है FLF011 जो कि सबसे ज़्यादा लाइटेस्ट शेड है इस फाउंडेशन का एंड ये जो है ये है FLF006 जो कि पिंक टोन में मीडियम शेड का फाउंडेशन है एंड ये है FLF014 जो कि येलो अंडरटोन में मीडियम शेड का फाउंडेशन है। तो ये मेरे पास फाउंडेशन है, बाकी मैं मिक्स एंड मैच करके अपना भी बना लेती हूँ एंड क्लाइंट्स पे भी यूज़ कर लेती हूँ एंड ये फाउंडेशन आपको मिल जाती है 700 एंड 800 के बीच में, तो काफ़ी सही फाउंडेशन है, बहुत ज़्यादा हाई एंड फाउंडेशन को भी ये फाउंडेशन मार देती है, मुझे तो बहुत पसंद है। तो ये इस फाउंडेशन की फिनिश भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो अगर आप खुद के लिए ट्राई करना चाहते हो आप डेफिनेटली फॉरएवर 52 की फाउंडेशन ट्राई कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे मेरे पास है ये पैक की HD फाउंडेशन, ये भी मेरे पास दो शेड्स है, एक थोड़ा सा डार्कर है मीडियम स्किन टोन के लिए, एक थोड़ा सा लाइटर है, ये है शेड नंबर 1.0 एंड ये है शेड नंबर 2.5। तो ये दोनों फाउंडेशन है मेरे पास 800 समथिंग एंड और 900 के आसपास की ये मिल जाती है आपको, क्वांटिटी भी ठीक है, पैकेजिंग भी अच्छी है, पम्प पैकेजिंग में आपको मिल जाती है। इनकी फिनिश जो है वो भी काफ़ी नेचुरल सी है, बहुत ज़्यादा हाई कवरेज इनकी फिनिश नहीं है, शेयर टू मीडियम कवरेज इनकी फिनिश आपको मिल जाती है। मैं इनको क्लाइंट्स पे यूज़ कर लेती हूँ, कभी बार अपने पे भी यूज़ कर लेती हूँ, तो ये वाली फाउंडेशन भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इसके बाद यहाँ पे मेरे पास ये जो फाउंडेशन है वो है ब्लू हेवन की फाउंडेशन, ये मुझे ब्लू हेवन की किसी कॉम्बो पैक में मिली थी, तो इसका जो MRP है वो है 225 एंड मैट फाउंडेशन है, काफ़ी अच्छी है फाउंडेशन इस प्राइस में ये ब्लू हेवन की। इसके बाद जो फाउंडेशन मेरे पास है वो है मैक की NC20 शेड एंड ये थोड़ा सा डार्क है मेरे स्किन टोन से, मुझे NC50 चाहिए, तो ये थोड़ा सा येलो अंडर टोन में भी है एंड काफ़ी सही फाउंडेशन है। 750 रुपीज़ इसका प्राइस है एंड इसको मैंने नायका से ख़रीदा था। तो इसके बाद जो फाउंडेशन है मेरे पास वो है लेकमे का इनविजिबल फिनिश फाउंडेशन एंड इसका जो प्राइस है वो शायद 250 के आसपास है एंड इसमें मेरा शेड है 01। तो ये मैंने मार्केट से ही परचेज किया था एंड ये भी थोड़ा सा मेरी स्किन से डार्कर है एंड ये काफ़ी पुराना है, शायद इसके तो एक्सपायर भी हो चुकी है जहाँ तक मुझे आइडिया होगा, तो इसलिए इसको मैं फेंकने वाली हूँ अभी। तो इसके बाद यहाँ पे मेरे पास ये है फाउंडेशन, नेक्स्ट जो फाउंडेशन है वो है ओलिविया की लिक्विड फाउंडेशन, ये शुरू में काफ़ी ज़्यादा चली थी ये वाली फाउंडेशन, इसकी फिनिश काफ़ी अच्छी है, सेटिन फिनिश इसकी आती है, तो सस्ती फाउंडेशन है, 120 रुपीज़ की आपको ये मिल जाती है, 120 रुपीज़ में काफ़ी अच्छी फाउंडेशन ये है। तो ये मेरी फाउंडेशन की कलेक्शन से, इसके बाद थोड़ा सा जो
बेस है वो मेरे पास एक ही क्राइलन का जो सुप्रा कलर पैलेट होता है वो है डेली 02। एंड ये जो मेरे पास एक और कंसीलर पैलेट है डर्मा का, सो ये मेरे पास यहाँ पे दो कंसीलर पैलेट हैं। इस तरह के कंसीलर्स आपको इनमें मिल जाते हैं, सारे शेड्स आपको इनमें मिलते हैं, सारे स्किन टोन के हिसाब से। आप चाहो तो इसमें भी आपको 12 शेड्स वाला मिल जाता है, बट मैंने इसमें ये छोटा वाला ख़रीदा था 6 शेड्स वाला, तो ये काफ़ी सही है। वाटरप्रूफ समर के लिए बहुत ज़्यादा एप्रोप्रिएट ये वाला बेस, अगर आप अफोर्डेबल में चाहते हो ब्राइड्स के लिए तो। अदरवाइज़ आप 3000 तक के हुडा ब्यूटी के फाउंडेशन भी ले सकते हो अगर आप लेना चाहते हो तो। उसके बाद यहाँ पे मैं कंसीलर्स हैं मेरे पास थोड़े से, आप देख सकते हो। ये तो क्राइलन के ही डर्मा के जो करेक्टर्स हैं वो हैं मेरे पास, तो यहाँ पे D30 एंड आप देख सकते हो। ये कंसीलर मेरे पास है LA गर्ल का। उसके बाद मेरे पास कुछ कंसीलर्स हैं स्विस ब्यूटी के एंड फॉरएवर 52 के कंसीलर्स के, डिफरेंट डिफरेंट शेड्स हैं मेरे पास यहाँ पे। ये थोड़ा डार्कर है, ये थोड़ा लाइट है, ये भी काफ़ी अच्छा कंसीलर है। सबसे ज़्यादा फेवरेट मेरे कंसीलर है अफोर्डेबल में स्विस ब्यूटी के। एंड ये है मेबिलिन का एज रिवाइंड कंसीलर एंड उसके बाद NYDA का कंसीलर एंड यही एक दो और स्विस ब्यूटी के कंसीलर हैं। दैट्स इट, ये था मेरा बेस कलेक्शन। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, मुझे भी दिखाने में बहुत मज़ा आया आप लोगों को, सो अगर आपको भी देखने में मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड सी यू।